अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सोया काजी और आप देख रहे हैं अल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन। अल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन में मैं आपके लिए आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूं वो स्पेशली लेडीज़ से रिलेटेड है और ये लेडीज़ की बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो कि 75% खवातीन में पाई जाती हैं, जो किसी से डिस्कस नहीं करती हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक रूप ले लेती हैं जब इसका मतलब टाइमली ट्रीटमेंट ना करवाया जाए। ये विजाइना वर्म इसको बोल सकते हैं हम। विजाइना में आपके जब वर्म पैदा हो जाते हैं, सोजिश हो जाती है या विजाइना की जो वॉल्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं, देन आपको इस बीमारी का सामना करना पड़ता है। इस सूरत में आप ना तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ हम बिस्तरी कर सकती हैं, कोई सेक्सुअली एक्टिविटी नहीं कर सकती। दूसरा, आपको चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्वेलिंग के कारण आपकी स्वेलिंग की वजह से आपके जो है ना वो विजाइना में हल्का हल्का पेन रहता है, जिसको चलते हुए आपको ख़ारिश भी फील होती है, आपको चलते हुए मतलब जो है ना उलझन महसूस होती है। और उसके अलावा आप डाइट नहीं ले सकती कोई प्रॉपरली, मतलब मिर्च मसाला नहीं खा सकती हैं और ऑयली चीज़ें नहीं खा सकती हैं, ये वैसे भी नहीं खानी चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में सबसे बेहतर आपके लिए यही है कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए सबसे पहले तो ये है कि अपना साफ़ सफाई का इंतज़ाम करें। समटाइम ये होता है कि दोनों लाइफ पार्टनर कैजुअली हालत में लाइक दैट, अगर हस्बैंड काम से आया है, उसने शावर नहीं लिया, वैसे आपके साथ हम बिस्तरी की है, आप किचन से उठ के आ गई हैं, आपने मतलब फ्रेश नहीं हुई, तो वैसे समटाइम ये स्वेटिंग की वजह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी आपको डिस्टर्ब करते हैं, उसकी वजह से भी ये बैक्टीरियाज जो है ना विजाइना में जाने के बाद सोजिश का और सोजाश का जो है ना सोजाक का वो बाइस बनते हैं। तो इससे बेहतर यही है कि आपको सबसे पहले तो साफ़ सफाई का इंतज़ाम करना चाहिए और फिर ही अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि होता ये है कि समटाइम आपके साथ आपके लाइफ पार्टनर को भी ये बीमारी लग जाती है, तो उनको बचाने के लिए आप ज़रूरी है कि दोनों अपना अपना ट्रीटमेंट करवाएँ, हेल्दी डाइट लें, फ्रेश जूसेस लें, विटामिन ए सी डी एयर और आयरन से भरपूर ग़ज़ाएँ लें, मुर्गन ग़ज़ाओं से इज्तनाब करें और मुर्गन ग़ज़ाओं के अलावा जो है आप जो फास्ट फूड हैं उनसे गुरेज करें और सबसे बेहतर कि जो आप मिर्च मसाला चिकनाई वाली चीज़ें लेते हैं उससे गुरेज करें। इससे बेहतर है कि आप फ्रूट्स लें, आप मतलब जूसेस लें, आप ग्रीन सैलड लें, आप ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिसकी वजह से आपकी सेहत ठीक रहेगी और आपके विजाइना का जो असर है वो समटाइम ये होता है कि जब आप ये ऐसी खुराक लेते हैं और फिर उसके बाद हम बिस्तरी करते हैं तो जो आपके अंदर के फासिक मादे होते हैं वो भी गर्मी की वजह से आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो आप दोनों को यही चाहिए कि अपनी खुराक पर ध्यान दें ताकि ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपको ऐसी डिज़ीज़ पैदा हो सके। क्योंकि ऐसी डिज़ीज़ का पैदा होना मतलब आपके आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत सारी बीमारियों से मुतारफ़ करवा देते हैं, मतलब आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा सकती हैं जल्दी, आप अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो उससे बेबी को बहुत प्रॉब्लम हो सकती हैं, उसके बाद अगर मतलब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं तो ये ट्रीटमेंट लंबे अरसे पे चला जाता है। तो लिहाजा इन चीज़ों को इग्नोर करें, इन चीज़ों को आप साइड पर रखते हुए अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी साफ़ सफाई का ख्याल रखें, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने इनफैक्ट अपने बिस्तर चादर की जो बिस्तर की जो चादर है वो डेली चेंज करें और ख़ुद भी शावर लें, हस्बैंड को भी कहें शावर लें ताकि आप दोनों अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ करें और रابطہ करने के साथ साथ हमारे हुक्मा हजरात से अपने लिए बेहतरीन तजवीज़ हासिल करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।